के पुरुष करतार तुम कोला खूं पर नाम खर सूरज चांद सितारे कर सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे पुजारे अगर पुरुष कर तार तुम बोला खूं पर नाम सतगुरु सतनाम तुम कोला खूं पर नाम बच्चे और बच्चियों देवी पुरुषों, अभी आपको प्रार्थना सुनाई है कि सतगुरु सतनाम। वो तो सतपुरुष में जिनका नाम सतनाम है उनका तो ये सब कुछ रचा हुआ है, ये सब उन्होंने बनाया और किसी ने बनाया। ये सारी रचना लोगों की और ब्रह्मांडों की सतपुरुष ने की, उन्होंने अपने देश से सतलोक से मसाला निकाल के बाहर कर दिया। ये तो मसाला है, अरे जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश मिट्टी है, इसको निकाल बाहर किया। और जब वो महात्मा आते हैं वहां से तो उसके नुमाइंदे होते हैं जानतीन। जानतीन कहते हैं कि मालिक का हुक्म लेकर के आए और जीवों को सुनाते हैं कि भाई रचना का विस्तार कैसे हुआ, कितने ये रचना की है और हम सब वहीं थे तो यहाँ आकर के भूल क्यों गए, परदेश में आए तो भूले क्यों, और तुमको कौन मांग करके ले आए। इसलिए जैसे कि इस देश के राजदूत होते हैं तो उनको बाहर भेजते हो अपना अधिकार दे करके, जो आपकी तरफ से बोलेंगे वो सबको मानूंगा, उसमें अदला बदली नहीं कुछ भी। ऐसे ही सतपुरुष के वो जानती हैं, राजदूत जिसको कहते हैं, वो यहाँ आते हैं, वो गुरु होते हैं जो संदेश लेकर के आते हैं और वो रास्ता उनको मालूम रहता आने और जाने का। तो दोनों की प्रार्थना, जिसने रचना की जो मालिक है
हमको जिससे बनाया सबको या कुछ बनाया सबको भेजा, हमको भी भेजा उसी ने, और यहाँ उन्होंने उसका पता दिया तो हम और किसको किसको मानेंगे। अरे उसने यहाँ आकर के उन्होंने उसका पता दिया, रास्ता बताया कि ये रास्ता है, ये चलने का, ये पहुँचने का, घर जाने का। अब यहाँ आ गए तो हमारी आँख तो बंद हो गई, तो हमको न दिखाई देता है, कान बंद हो गए तो न सुनाई देता है। तो अंधेरे में आप किधर जाओगे जब तक रास्ता नहीं मिलेगा। अब वो आते हैं महात्मा तो रास्ता देते हैं, तो सबसे पहले काम यह है कि घाट पर दरवाजे पर बैठाएंगे और तुम्हारी आंख पर कान पर रगड़ मारते हैं। ये अंतःकरण है, इधर देखो, इसमें कूड़ा कचरा पाप उनका आपने भर के रखा है। तत्व सत्य हिंसा हिंसा सब कुछ है, इसका भी भरा हुआ, इसी के आपको काल के देश में सजा मिलेगी। तो यहाँ बैठा करके फिर रगड़ा लगाते हैं, सफाई करते हैं। तो जब सफाई करेंगे कूड़ा कचरा हटेगा तब तो आँख खुलेगी, तो बगैर भेदी के कौन बताएगा? हम सब अंधे रहे तो हमको कौन आँख देगा? डॉक्टर कोई नहीं है तो आँख कौन ताप कौन करेगा? तो जीवात्मा की जो आँख है दिमाग और दिव्य कान है उसकी सफाई कौन करेगा? क्योंकि बाहर की दवा तो हो जाएगी, बाहर का पानी भी नहीं जाता, कोई साबुन भी वहाँ नहीं पहुँचेगा। चलो भाई हम किसी तलवार और वहाँ से उसको काट दें तो भी नहीं जा सकता। तो घाट पर बैठा के दरवाजे बैठा के फिर सफाई करते हैं, तो वो तो आते जाते रहते हैं, उनका तो आने जाने का रास्ता आपका बंद है। तो सफाई करके आँख खोलते कान खोलते और फिर वो नाम के साथ आवाज के साथ शब्द के साथ जोड़ते हैं। जब वो सुनने लगता है पकड़ने लगता है तब कहता है कि अब हमको अंदर कुछ सुनने को मिलने लगा और आँख खुलती है तो देखने को मिला। तो सफाई जब नहीं होगी तो कैसे आँख खुले कैसे कान खुलेंगे? तो वो यहाँ के सर्वे सर्वा ले जाने के वो तो कभी आएंगे नहीं, सत्पुरुष तो कभी आते नहीं, ना अलग पुरुष आएंगे ना अलग पुरुष ना अलग पुरुष। वो जो यहाँ आते हैं उन्हीं को कहते हैं जानती हैं, यानी मतलब यह है कि उसको गुरु कहते हैं, मुसलमानों उसको मुर्शिद कहते हैं। तो आप कामिल मुर्शिद वही है जो यहाँ से वहाँ जाता आता है, अनुभवी महात्मा जो उसके पास आता हो जाता है, उसकी खबर जाता है और ले जाता और आपकी खबर देता। इसलिए यहाँ प्रतिष्ठा गुरु की रहेगी और बगैर गुरु के आप वहाँ जा नहीं सकते। लेकिन गुरु चाहिए कैसा? अंधा नहीं, न बहरा हो न अंधा हो, आँख भी हो कान भी हो, जितने देखा हो रास्ता वो हमको निकले। उस गुरु की महिमा है, बाकी किताबों में पढ़ लोगे गुरु गुरु उससे कुछ नहीं बनेगा। तो आप लोग कभी सत्संग तो सुनते नहीं हो, अब थोड़ा थोड़ा जब सत्संग मिलना शुरू हुआ तो समझ में बात आने लगी। अब आइए, इन्होंने 16 बच्चों को भेजा, वो सतपुरुष के 16 बच्चे हैं, उन्हीं को ईश्वर कहते हैं, कोई ब्रह्म कहता है, कोई पार ब्रह्म कहता है, कोई भक्त भाषा। 16 बच्चे भेजे और 16 ने अलग अलग अपने अपनी आराधना की है और मालिक उनसे खुश होकर के तब उनको ये दिया, ये सब सामान और ये सब लोग उनको दे दिए। तो मालिक को तो ये था कि मैं यहाँ से गंदगी निकाल के अलग कर दूँ, हमारे देश में ये गंदगी न रहे, बाहर चली जाए और देश निर्मल पवित्र स्वच्छ साफ अखंड और अस्थायी, उसमें कोई दर्द और पीड़ा, कोई शोक और चिंता और भय वगैरह, डर और खौफ कुछ नहीं, वो तो सर्वशक्ति है। तो जब आप पहुंच जाओगे तो आपको सर्वशक्ति मिल जाएगी, अभी आपके पास कुछ नहीं है। तो जब आपको शक्ति का बल नहीं मिलेगा ताकत कैसे मिलेगी जीवात्मा को? जब कृपा और दया होगी तभी आपको ताकत मिलेगी। तो कलयुग में रास्ता खोला, पहले युग में नहीं था। पहले युगों में जब किताबें उन्होंने भी, हाँ
लिखी है तो एक ही किताब थी, वेद, बस और कुछ नहीं था। उसी किताब के आधार पर आप अच्छा बुरा, ये स्वर्ग मिलेगा ये काम करने से, फिर कुछ मिल जाएगा इस काम करने से, तुमको इसका दर्शन होगा इससे ये दर्शन हो जाएगा, तुमको ये लोक मिलेगा, तुमको ये लोक मिलेगा, क्योंकि स्वर्ग वैकुंठ में 14 लोक हैं, उसको 14 भवन कहते हैं मुसलमानी शब्दों में, 14 तबक, तो अब अलग अलग लोक में अलग अलग, तो ये लोक मिल जाएगा तुमको, ये मिल जाएगा, ये करोगे तो मिल जाएगा, और तुम अच्छा और काम भी करोगे तो तुमको यहाँ का सामान मिलेगा, जैसे माल माल राज मिल गया, धनीमानी हो गए, विद्वान हो गए, रूपवान हो गए सब, और तुम गंदे काम करोगे तो तुमको 84 भेजा जाएगा, नरकों में भेजा जाएगा, पर यह है यही है। तो आप तो कोई स्वर्ग में जाने की तो साधना नहीं करते हो, और कैसे जा सकते हो जब दरवाजे में बैठे हो और वहां जाने की साधना नहीं करते हो, कोई रास्ता नहीं चलते हो, कोई आपको पहुंचाने वाला नहीं मिलता, तो कैसे जाओगे, बातों से तो पहुंच नहीं जाओगे। अब बात करते रहो कि बम्बई ये है, मतलब ये है, ये ऐसा है, और आप जाओगे नहीं तो क्या बम्बई आप पहुंच गए या आपने देख लिया नहीं, अब वो घर है, आपको यहाँ से जाना है, जैसे वहां से उतारे गए हो वैसे ही आपको चढ़ाई करके जाना, अपने घर में पहुंचना, तो उसके लिए गुरु चाहिए, सर्वशक्तिमान गुरु चाहिए जो चढ़ा के ले चले। हमारे पास तो बल पौरुष है नहीं है, हम तो कमजोर हैं, निबड़ने तो दुर्लभ है। तो सही बात यह है कि आप उसमें ये सोचते हो कि सतगुरु और सतनाम ये किधर से आ गया, ये हमारी किताबों में तो नहीं है, तो सब किताबों में महात्माओं ने लिखा है, एक तो नहीं हजारों, तो लेकिन जो पहले की किताबें उसमें नहीं, उसमें ये कोई नाम नहीं, न वो ईश्वर का नाम है, न ब्रह्म का नाम है, पारब्रह्म का, और जिसने ये सब कुछ बनाया उसका भी नाम है, ऊपर का नाम है ही नहीं, वो जानते। लेकिन जो अभी 700 वर्ष के अंदर आए उनकी सब किताबों में लाखों लोग आ चुके हैं, उससे भी ज्यादा आए और उससे भी ज्यादा यहाँ से गए पहुंच गए, उनको सब मालूम है, बाकी लोगों को नहीं मालूम, बाकी दुनिया इसी तरह से आई गई है, चले जा रहे 84 नरकों में, बस अपने अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। आप सब लोग नए हो, यानी इस चीज को सुनने के लिए नए हो, जब उसने विधान मृत्युओं का बना दिया कि भाई ये पाप है पुण्य है, अच्छा है बुरा है, न्याय अन्याय है, तो आपको इस पर सोचना चाहिए था कि अधिकार तो हमको दिया है, उसके हाथ में तो उसने अपने हाथ में कुछ नहीं रखा, क्योंकि उसने देते समय कहा था कि इन जीवात्मों के रूहों को कोई तकलीफ दोगे तो हम सबको ले लेंगे, तुम वहां के लिए रह जाओगे। अब तुमने तपस्या की, हम खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, हम उसके एवज में तुमको ये देते, और तुम लोग अपने अपने देश में मसाला मिला करके बैठा दो उस पर और अपना राज करो, उसे आराम से रखो, तकलीफ मत देना। तो उन्होंने सोचा कि भाई तो बहुत अच्छी चीज है, हम तकलीफ नहीं देंगे। लेकिन सवाल इस बात का, जब आए थे तब तो मतलब कोई गुरु नहीं था, कुछ नहीं था, रास्ता खुला था, उस समय पर कोई भी गुरु नहीं था, मतलब तो आँख खुली थी, गर्म हुए कान खुले थे, सुनते थे, देखते थे, समझ ही रहते थे, और जैसे ही बाहर आए घर से वैसे सज्जुग जोगी सब विज्ञानी सब वापस हो गए, क्योंकि पर्दा तो कोई था नहीं, पाप पुण्य की कोई गंदगी नहीं थी, ये जीवात्मा यहाँ बैठा थी बिल्कुल साफ, सब उजाले उजाला था, अंधेरे का कोई नाम नहीं, अंधेरा किसको कहते हैं वो कुछ नहीं था, रोशनी रोशनी, प्रकाश ही प्रकाश, तो यहाँ से वहां तक सब, जब कोई पर्दा नहीं रहेगा तो सब दिखाई देगा, पर्दा रहेगा तो नहीं दिखाई देगा आपको, ये पर्दे सबके सब हट जाए तो यहाँ से सीधा दिखाई देगा, यहीं से बैठ करके सुनाई भी देगा दिखाई भी देगा। तो उसने सोचा कि भाई ये तो सब जा रहे, हमने तो तपस्या की है और ये सब वापस लौट रहे, सब अपने देश में जा रहे हैं, तो लौट के आने, जो चला गया वो गया, लौट के आए, तो इतने खेपे जीवात्मों की जा चुकी हैं कि इनको चिंता हो गई, तो सोचा कि भाई क्या किया जाए, ये सब चले जाएंगे तो हम अकेले रह जाएंगे, तो फिर अगर हम तपस्या करें मालिक हमसे खुश हो ना हो, और हम अगर कुछ मांगे भी तो हमको दे ना दे, तो हम क्या करेंगे,
इसलिए जो गए हो तो लौट के आए नहीं, वो चले गए। अब ये जो बाकी रह गए इनको रोका जाए, बस ये बात है। फिर उसने रोकने का इंतजाम किया, और जब रोकने का इंतजाम कर लिया उसने, पूरा अपना विधान बनवा लिया, और फिर उसने प्रचार किया। आपको सब मृत लोक का विधान बन गया और ये सबको करना है, इसके अनुकूल सबको करना है। जो इसको नहीं करेगा, यदि पाप है पुण्य अच्छा बुरा न्याय न्याय, वो तो चला जाएगा अपने वापस देश में, और जो ये करेगा तो हमारे देश का ये पाप पुण्य कर जाऊंगा उसका। फिर तो कहता मैं काल हूं, मैं पाप पुण्य का फल देता हूं, तो मैं करूंगा। मेरे चार खाने 84 चुनिया नरक बनाए, मैं इनमें बंद करूंगा और मृतकों का कर्जा वसूल करूंगा। तो आप लोग तो ये समझते नहीं, क्योंकि यहां कभी कहा भी नहीं। इस तरह से जो अभी समझा रहे आपको कुछ नहीं कहा, सत्संग को सुनाते रहे, लेकिन आपको ये बात सबको बताई नहीं। अभी जब हम गए कर्नाटक में तो हमने रास्ते में सुनाया सब लोगों को, हल्के भी ये तो हमने सुना नहीं था। जो यहां से गए उन्होंने भी नहीं सुना, और वहां के लोगों ने तो सुना ही नहीं, कुछ जानते ही नहीं। तो इनको बताया, भाई तुम ये काम करते हो तो ये बोझा लाद रहे अपने ऊपर, अब कब उतारोगे? क्योंकि वो तुमसे तो उतर नहीं सकता, अदा नहीं हो सकता। तुम्हारे पास इतना सामान नहीं कि अदा कर दो, जब पूंजी नहीं रहेगी, किसी से आप उधार ले लो और आपके पास कुछ ना हो तो कैसे दोगे? आप मार मार करके लेगा, अरे सोच लो इस बात के लिए, तो छोड़ेगा नहीं। उसने कहा मैं काल हूं, मैं सुबह सुबह कर्म का फल देता हूँ, मेरा काम ये है और मैं कुछ नहीं करता। मैंने अधिकार दिया, तो अधिकार दिया उसने आँख से कि आप जो चाहो उसे देखो, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा सुनो, अच्छा बुरा बोलो, अच्छा बुरा मन से संकल्प करो, अच्छा बुरा चित्त से चिंतन करो, और अच्छा बुरा बुद्धि से बुरा विचार करो या अच्छा करो, और शरीर से अच्छा बुरा काम करो, उसकी तरफ से कोई बंधन नहीं, आपको स्वतंत्र छोड़ दिया। जब विधान बनाया तो उसी में लिखा हमने आपको आजाद कर दिया, हमारी तरफ से किसी तरह ना हम आपको आदेश देते हैं और ना आपको मनाई करते, जो आप चाहो बस ये आजादी मिल गई, इससे फंस गए। अगर ये आजादी को किसी तरह हम समझते रहते और समझ करके काम करते तो फिर हम फंसते रहे इस बंधन में। अलग कर्जा लग गया, लाल लिया, तो फिर अपने आप दे नहीं पा रहे हो, तो डाल के चारों खाने में मार मार करके लेता है, इससे निकालेगा उससे बंद करेगा, मारेगा उससे निकालेगा उससे बंद करेगा, मारेगा उससे हमारा कर्जा दिए। अब वो जो मतलब है कि जो कहा था मालिक ने कि तकलीफ मत देना, तो कहते हमने तो इनको अधिकार दे दिया, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमने सब अधिकार मिट्टों पर इनको कर्म करने का अच्छे बुरे का सब अधिकार दिया, अब ये करते हैं तो हमारे देश का ये नियम है, हम क्या करें? अब नियम बना हुआ है, उसका पालन होता है उसका, तो उसके लिए उसने अपने अपने फरिश्ते, अपने अपने सिपाही और अपने कर्मचारी और जज बैठा रखे, अब वो अब सब न्याय करते रहते। आपको ये सब कुछ पता नहीं, जानते रहते। इसलिए महात्माओं की यहाँ वो आते हैं मालिक का हुक्म लेकर के, आदेश देकर के, और जीवों को यह समझाते बताते हैं कि भाई रास्ता ये, तुम्हारे पास मनुष्य मंदिर में है रास्ता, इसी शरीर से जाता है रास्ता, इसी शरीर में उधरी से आए हो तो उसी से चले जाओगे वापस, एक ही रास्ता सबके आने का, एक रास्ता जाने का, दो रास्ते नहीं। तो जिस रास्ते से आए हो रास्ता भूल गए लोग, हम रास्ता बताते चलो वापस हो जाओ घर, तो नाम डोरी डाल रखी है, नाम को पकड़ो चलो। हम उसके पकड़ने में इसमें लग गए, ये काम है, ये क्रोध है, ये लोभ है, ये वो है, ये कार है, आसात है, मेरे बच्चा है, ममता है, ये खेल इसमें लग गए आप, तो समय चला गया आपका, तो आपने डोरी तो पकड़ी नहीं। डोरी महात्मा के कहने से पकड़ लेते तो वापिस, अब इसमें फंस गया, अब इसमें लग गए। मेरा नुकसान तो तुम्हारा होना ही है, तुम कहो तुम्हारा फायदा, जब ये शरीर खाली हो जाएगा नुकसान तो हो गया, फिर तो ये शरीर मिलेगा नहीं, नुकसान तो आपका हो नहीं है, लेकिन आप कहते मेरा नुकसान हो, तेरा का नुकसान हो जाएगा। अभी सुबह रात को दिन को ये कह रहा, सुबह समय पूरा हो जाए, कहा निकलो तो निकाल बाहर कर देगा, वहां शमशान पर पहुंचा देगा, जला देगा या गाड़ देगा, बात खत्म हो गई, नुकसान तो हो ही गया, फिर ये मनुष्य शरीर तो नहीं मिलेगा।
यह मनो शरीर उसी मालिक के पास जाने के लिए, अपना छुटकारा करने के लिए ही आपको दिया गया कि आप छुटकारा कर लो अपना आपकी बार। इससे तुम सच्चा भजन और वो महात्मा पर भी उनके पास जाकर के सच्चा रास्ता आप जान करके और चल दो और घर पहुंच जाओ तो छुटकारा हो जाएगा। नया राजा रैयत किसी का छुटकारा नहीं होगा। जो भी कर्म करोगे उस कर्म करने में आप स्वतंत्र हो और फल भोगने में सब परतंत्र हो। अब आप अपने आप में प्रभुत वो जो करेगा वही आप, तो उसके यहाँ तो आपने कुछ अच्छा किया ही नहीं, उसके यहाँ तो आपने सब खराब काम किए, तो बंद करके नरकों में पीटेगा। अब फिर चिल्लाओगे तो कौन वहाँ जाएगा तुमको बचाने, कोई भाई कोई बाप कोई मतलब घर वाला रिश्तेदार कोई धन और दौलत कोई राजपाट सिपाही कोई जाएंगे? इसलिए आप तो सतगुरु सत नाम तुमको लाखों पड़ा, आपने अनमोल मनु शरीर दया करके दिलवा दिया और ये रास्ता बताया, तो हम आप पर निछावर हैं, समर्पण हैं आपके ऊपर। जैसा आप आदेश करो वैसा करें। अब एक तो ये है कि उन्होंने दिया आपको आदेश, अब कहते तो आप जैसा कहो वैसे करेंगे, तो जब करने लगो तो वापिस हो जाओगे, क्योंकि उसका उन्हें आप पालन करोगे पाप पुण्य का, कि मृत्यों का ना आप पाप करोगे ना पुण्य का, तो वापिस हो जाओगे। तो आप उसकी बात को मानो। इसलिए कहते हैं भाई गुरु के हो जाओ, उस महापुरुष के हो जाओ जो वहां से आया, रास्ता सबका बता रहा सबका भेद बता रहा। अरे वो तो सबको मानते हैं, ब्रह्मा को मानते हैं, विष्णु को मानते हैं, शिव को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, ब्रह्म को मानते हैं, पार्वती को और खुदा को भी मानते हैं, गॉड को भी मानते, सबको मानते हैं। वो कब कहते हैं कि मैं नहीं मानता, कोई पूजा उसी की पहले कराते हैं, आराधना ही उसकी होती है, तुम कैसे कर सकते हो कि ईश्वर की आराधना खुदा की नहीं हो रही? ठीक हो रही इबादत, सच्ची इबादत हो रही उसकी। ये जिसमें है इसमें रूह बैठी हुई है, रूह से सच्चे खुदा की इबादत होगी, वैसे शरीर से जिम चुन नहीं होगी। ये शरीर तेरे तो जड़ है, चेतन जीवात्मा रूह चेतन है, उससे और सच्चा भजन होगा। तो आप लोग इसको समझते नहीं हो, अब सुनो आप। आज सखी काज करो कुछ अपना, गुरु दरस तको छोड़ो जग सुना। अब महापुरुष कहते हैं कि अरे प्रेमियों, सखी कहते हैं प्रेमियों को, ए सुरतु ए जीवात्मा, तुमने अमूलक तन पाया इसकी कीमत नहीं है, तो कुछ अपना काम करना। अभी तक जो कुछ भी काम जुग जुग से करते चले आ रहे हो, अपना तो कुछ किया नहीं, पराए देश में पराए काम किया और पराया कोई भी काम सामान आपके काम नहीं आया, घर छूट गया, मकान धन दौलत जमीन सोना चांदी हीरे सब इकट्ठे किए और सब छूट गए, सब पड़े रह गए, अपने काम तो आपके आ नहीं, क्योंकि अपना काम कुछ करो। अपना काम है नाम की कमाई, नाम धन सबसे बड़ा धन है, वो जीवात्माओं का सच्चा रूहों का खजाना है, तो उसके साथ जुड़ो, तो बेदी को साथ लो, तो नाम धन कमाई का आपको भेद मिल जाएगा। जब दरवाजा मिलेगा जो उसका भेद युक्ति मिल जाएगी तो फिर करने लगोगे, तो जोर लगाएगा वो कहेगा भाई तुम जरा स्वयं टाइम दो 15-20 मिनट आप समय दो, तो जब होने लगेगा तो कहे थोड़ा और दे दो, आधा आधा घंटा कर दो, तो करने लगोगे तुम्हें सब रास्ता आपका चल जाएगा। फिर तो आपकी रुचि अपने आप, फिर 2 घंटे भी बैठे रहो, 4 घंटे भी बैठे रहो, 8 घंटे भी बैठे रहो, 10 घंटे भी बैठे रहो, वो तो आनंद इस तरह का है कि बैठे रहो उसमें तो जगत का कुछ नहीं है, जगत की पीड़ा उधर नहीं, कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं, सबसे अलग होंगे और बैठे रहिए आप। जब उधर से आओगे तभी आपको इच्छा होगा क्या क्या, तो अभाव हो जाएगा, इन सब चीजों से घृणा हो जाएगी, असरदा हो जाएगी, इससे प्रेम प्यार नहीं रहेगा, संबंध प्रेम का झूठा था मोह ममता का टूट गया, अब उधर नाम के साथ में उधर हो गया प्यार, तो आसानी हो जाएगी आपको अंदर जाने। तो महात्मा तो
ये काम करने आते ही हैं और क्या, किसलिए वो नहीं मिलेंगे तो कुछ काम नहीं होगा। तो हमने देखा है उधर मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र में सब यही कहते गए भाई, हमको किसी ने ऐसा नहीं बताया। वैसे तो आपको मालूम होता है कि नई चीजें नहीं नहीं है, सनातन ने पहले की है। जब ये विधान नहीं बना था अमृत लोक में वेदों में, तब से पहले यही तो रास्ता था सबके आने जाने के। जब सब कहते हैं महात्मा कि भाई अब सब सज्जू योगी सबके सब ज्ञानी थे, स्त्री पुरुष साफ सबके सब त्रिकाल धरती थे, सब रोज जाते थे रोज आते थे, बिल्कुल साफ लिखा। और आपके सामने जब किताबें नहीं तो कौन समझाया आप? समझाने वाला समझने वाला समझाएगा जो पढ़ा लिखा और जिसने देखा, अब वो कोई मिलता नहीं तो आपको बताता है क्या करेंगे। आप कहते हैं कि अब तो कमाई करना है क्योंकि तुमने कर्जा ला दिया, तो कर्जे को अदा करने की कमाई है। नहीं, पहले कोई कर्जा नहीं था, कोई कमाई नहीं थी, घर में आँख खुली थी, तीसरी आँख तीसरा नेत्र तीसरा कान ये खुला हुआ था, तुम देव बाणी आकाश बाणी ब्रह्म बाणी आज से अंत तक की सुनते थे और वो चढ़ के चले जाते थे, कोई रोक टोक नहीं थी। उस समय कोई कर्जा नहीं था, कोई आवरण नहीं था। अब आवरण हो गया, अब कर्जा लग गया, अंधेरा हो गया, रास्ता नहीं दिखाई देता, आँख नहीं खुलती है, कान नहीं खुलते, तो कैसे होगा? अब ये तो दिन और रात का है, दिन भी सपने और रात भी सपने। दिन में देख रहा हो तो मेरा है, जब रात में सोए तो खत्म। नहीं, जमीन है मकान है तुम कहाँ हो, बच्चे कहाँ, कुछ नहीं। फिर आँख खुली तो ये मेरा, जब उधर गए जब सोने लगे तो वहाँ देखा कि हम राजगद्दी बैठे राज घूम रहे हैं और सब हमारे हुक्म में चल रहे हैं और ये हमारा सुंदर महल है, ये सामान सब कुछ है। और आँख खुली तो फिर वैसे गरीब के गरीब, तो दोनों सब रहे, इधर भी सब तो उधर भी सब। ये दिन और रात, यही दिन रात है, दिन और रात चूहे दो तुम्हारी आयु को ऐसे काट रहे हैं। एक आदमी पेड़ पे कुएं में लटका था, लटका हुआ था, तो ऊपर से मधुमक्खी का वो शहद टपक रहा था, तो टपक रहा था तो उसके इधर से आया तो मुंह में आया तो जीभ से उस चाटने लगा तो मीठा लगा। अब वो उसमें भूल गया, वो धीरे धीरे टपकता है, उसको चाटता टपकता है और देर रात रुकी चूहे काट रहे हैं, ऐसे लगे हुए हैं। जिस डाल पर उसको काट रहे, ये डाल है, ये मनुष्य जो शरीर है ये डाल है, इसको ऐसे काट रहे हैं। ये दिन और रात ऐसे लगे हुए सब, और जैसे ही उन्होंने डाल कर दी बस दरार गिरेगा, एक सब टूट गया, दर्द गिरेगा, ये मकान गिरेगा जमीन पर, क्या हो गया क्या हो, कुछ नहीं। अरे कहाँ चला गया, कहाँ गया, किधर गया, किस तरफ गया, वो यही कहोगे। अब ये खोल पड़ा हुआ है, उठा कर ले जाओ, दिन रूपी इसी में आप लगे हुए हो, दिन रात तो तुमको पता नहीं कि हमारी वो आयु इस तरह से काट रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, बस उसको काट के गिरा देंगे, तुम रह जाओ ऐसे। तो ये ऐसे ही चलता है, चलता जाएगा। अब इसी में कोई भागता नहीं, जितना सौभाग्य हो बहुत उनके सुकर्म हो वो तो जाग जाता है, बाकी सब चिंता दे रहते, इसी में लगे रहते हैं। तो इसलिए आपको यह अवसर मिला है 5 दिन का, 3 कार्यक्रम तो यहाँ होते हैं, तो इसमें पूरा पूरा लाभ उठाओ आप, बोलो। नहीं पछताई हो सिर धुनी रोई हो, जमकी नगरिया अनेक दुख सही हो। अब वो कहते हैं महापुरुष देखो तुम पीछे पछताओगे, वहाँ कुछ तुम्हारा होगा नहीं, और सिर धुनी रोओगे ऐसे करके, और वहाँ जमपुरी में जब तुमको सजा मिलेगी तो कोई सुनने वाला नहीं। अभी तो मौका है, समय है कि महापुरुषों की बात को सुन लो, जो कहे वो कहो भाई, उतना ही कि तुम कमजोर हो, निबल हो, दुर्बल हो, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, तो ये थोड़ी कहते हैं कि आप घर बार छोड़ दो, खेती करो, दुकान है दफ्तर का काम हो, चुरी ईमानदारी में रहते करो और घर में आओ बच्चों की सेवा करो। अब दो से आपको संतुष्टि हो गई कि भाई हमने काम भी किया और जो कुछ ले आए हम अपना भी खा रहे, बच्चों को भी खिला रहे,
उसके बाद जो बताए गए भजन है, ये रास्ता है जीवात्मा के जगाने का। तो बैठ करके मनुष्य मंदिर में भजन करो सच्चा, तो आप करने लगो। तो दोनों काम बन गए कि ये भी नहीं बिगड़ा और हम कमजोर भी नहीं, धीरे धीरे हम बलवान हो जाएंगे। जब बलवान हो जाएंगे तो ये चीजें, ये सब की जब ड्यूटी है तो छूट जाएंगे, ये सब छूट जाएंगे। वो ममता महात्मा से काशी में जब उनको गुरु मिल गए तो दुकान करते थे, जब गुरु मिल गए तो अपना साधन करने लगे, उनके ऊपर दया हो गई तो अंदर का घाट खुल गया, आँख खुल गई, कान तो चलने लगे। चलते चलते साधन करते कृपा लेते पहुंच गए। गुरुवार जाने लगे तो उनको आदेश दिया कि देखो जीवों के जगाने का एक काम करना, हमने तुमको ये सब दे दिया, तुम जीवों को जगाना और पहुंचाना घर पर। चले जो आपका आदेश रहता हो। तो दुकान करते थे, उनका नाम तो मतलब ये कुछ और था, लेकिन वो सामान को डंडी से तोलते थे ऐसे। तो बच्चा जाएगा बूढ़ा जाए कोई जाए उसको एक दाना भी कम नहीं न जाता, जितना उन्होंने अपने बाल बच्चों का और अपनी मेहनत का जितना उन्होंने रखा उससे ज्यादा नहीं लेना, पर उतना ही मतलब ये है। तो लोग घर में जा करके तोले उसको, कहते भाई बूढ़ा गया बच्चा गया देखे उसको, तो तराजू से उसको तोले तो बिल्कुल सही निकले। तब उन्होंने कहा अरे तुलाराम, तुलाराम के पास जाओ, तुलाराम के वहाँ चलाओ, वो सामान ठीक देगा। तुलाराम तोलने वाला, तुलाराम बड़ा प्रसिद्ध नाम हुआ। तो दो ब्राह्मण, उन्होंने सुना कि भाई तुलाराम बड़े प्रसिद्ध काशी में हो गए, चलो उनके दर्शन करेगा। तो दो ब्राह्मण विद्वान आए, अब काशी में आके पूछते हैं भाई तुलाराम कहे चले जाओ इधर सीधे चले जाओ। तो सीधे चले गए, आगे पूछा कि तुलाराम कैसे उधर चलो उधर जाओ। वो गली बताए उनको, तो अपने जाए वहाँ पूछे जाकर चले चले जाओ, देखो सामने इसी रास्ते मिलेगा, वहाँ मिलेगा। तो जब गए चले गए, देखो तीसरी दुकान है उसमें तुलाराम बैठे हुए हैं, अभी आपको दर्शन मिल जाएगा। तो उनसे पूछते हैं कि मैं तुलाराम से मिलना चाहता हूँ, कह रहे तो उन्होंने कहा भाई तुलाराम होंगे मिल जाएंगे, तुलाराम होंगे तो आपको मिल जाएंगे। अब वो तो ये कह रहे हैं, तो लोगों ने कहा अरे यही बैठे हुए हैं डंडी तोड़ रहे थे। तो दोनों ब्राह्मण सोचने लगे कह रहे कुछ नहीं, ये तो बढ़ियागिरी का काम करते हैं, महात्मा क्या होंगे। तो उनको उन्होंने कहा आप बैठ जाइए, मैं अभी खाली होता हूँ, मेरा समय निश्चित है, बस उसके बाद बच जाऊँ। तो बैठ गए, बैठे सोचते रहे कह रहे हमारे से महात्मा का दर्शन करने के लिए, तो ये तो दुकानदार है, इनके पास क्या होगा। तो प्रेमियों से कहा कि हम जब दुकान बंद करते हैं तो इनको वहाँ ले आना। तो ले करके गए, वहाँ से बैठे, तमाम लोग आ गए, बैठ गए, अपना सत्संग सुनने लगे। जब उन्होंने सत्संग सुना और उनको देखा कि भजन कर रहे हैं, तब उनका बुद्धि में आ कर ये तो कुछ और है, तो रोने लगे दोनों के दोनों। रोए कि हमने बड़ी गलती की, हमने आपको ये समझा कि कुछ नहीं है दुकानदार है, ये बनिया है। अरे भाई तुमने अपना सोचा होगा, तुमने सोचा, हमने तो कुछ नहीं कहा, हम तुम्हारे लिए कुछ कहते थे बात भी थी, हमने तो कुछ नहीं कहा। रो मत, तुम जिस काम के लिए आए हो उसी तुमको मिलेगी, रो मत। लेकिन वो कहे माफ़ कर दे, कहे भाई जब तुमने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं तो क्या माफ़ी पाई। बैठे वहाँ दो चार दिन रहे, तो रास्ता बताया, तो भजन करने लगे। अब उनका ये क्रम बन गया कि देहात में रहते थे, रोज आए और रोज जाए, रोज जाए, रोज जाए। तो इस तरह से उनका भजन बनने लगा और वो अपने सामने ही अरे जीवन में पार हो गए। तो तुला कोई पहचान नहीं सकता महात्मा को, कैसे होते वो नहीं पहचान सकता, कोई पहचान नहीं सकता उनके पास क्या है, कोई नहीं जानता। बोलो मानो बचन सुनो धर का। महापुरुष कहते हैं भाई मेरे बचनों को मानो, जो हम कहते हैं उसको मान लो, ध्यान से सुनो, ऐसे नहीं कि सुना न सुना, जो सुना तुमने निकाल बांध कर दिया, ऐसे नहीं। हम जो कहे
उसको ध्यान से सुनो, मान लो कि हमारे हित की बात है, आत्म कल्याण की है, इसमें जीवात्मा को गति अपना घर मिल जाएगा, अपना प्रभु मिलेगा, जहाँ से आप आए वो मिल जाएगा स्थान, तो बड़े प्यार से समझाते बोलो। सूरत लगाई सुनो धुन तार, तुम क्या करो कि घाट पर, दोनों आंखों के घाट पर, यहाँ ये तीसरे तिल घाट पर बैठ करके, और ये चारों तरफ मन बुद्धि चित्त है, यही इनको रोक करके, मन को, बुद्धि को और चित्त को रोक करके, कानों के साथ ऊंचा ध्यान दे करके सुनो। आवाज आ रही है, देवबाड़ी आ रही है, उस मालिक की आवाज आ रही है। आवाज कहते हैं बाड़ी, ब्रह्म बाड़ी, कलमा आए थे, आवाज कहते हैं नाम, बुला रहा आपको, उसको कहते तुम ऊंचा ध्यान दे करके और थोड़ा मन को, चित्त बुद्धि को रोक करके, कानों के साथ को सुनो, तो सुनाई देने लगेगा, सुनाई देगा, ऐसा थोड़ी कि खाली रहेंगे ऐसे। बोलो नहीं मर मर जन्मो चारो खान, मान मान अब मेरी कही मान। अब कहते मान लो, तुम अभी इसी जन्म में मान लो मेरा कहना, नहीं तो तुम चारों इन्हें खानों में जाओगे, नरकों में, और फिर वे मनुष्य शरीफ मिलेगा, फिर चले जाओ। आजकल के वक्त में वो कर्म है, क्या कारण दूसरों का लाद लेते हो, इन्हें बेमतलब दूसरों का बोझा अपने ऊपर लाद लिया। एक तो हम पाप पुण्य करते हो लगता, लेकिन दूसरों को ऐसे लाद लिया, तो कहते तुम मान लो मेरा कहना, नहीं तो तुम मरोगे और ये सब छूट जाएगा, तन भी चला जाएगा, बच्चे भी जाएंगे, धन दौलत भी जाएगा, राजपाट भी सब जाएगा, और फिर जाओगे नरकों में, खानों में, वहां जाओगे तो फिर मतलब ये शरीर मिलेगा नहीं, इसलिए तुम मान लो अब की बार इस जन्म में मेरी बात को मान लो, तो घर पहुंच जाओगे, तो घर जाओगे और घर में जा करके फिर कभी लौट के आना नहीं, क्योंकि ये देश तो अपना नहीं भाई, अपना घर तो ऊपर है, वो चेतन घर तो ऊपर है, तो जड़ है, तो शरीर जड़ है, तो ये सामान भी सब जड़ है, तो यहाँ अपना घर नहीं है। यहाँ तो जब उनको निकाला गया, सामान दिया गया, तो तपस्या की है, मालिक खुश हो गया, उन्होंने हमको यहाँ भेजा, वो इसलिए भेजा है कि तुम गंदगी को वहाँ छोड़ के चले आओ, वापस आ जाओ, तो समझाया बुझाया था, तब तो आपने कहा था हम नाम नहीं छोड़ेंगे, हम शब्द नहीं छोड़ेंगे, जो आवाज उसको छोड़ेंगे, पकड़े रहेंगे, तो पकड़े रहोगे तुम, वापिस छोड़ जाना, और छोड़ दिया तो रह जाओगे। तो मालिक को मालूम था कि वहां क्या होगा, तभी तो समझाया था उन्होंने, अब यहाँ आकर के हथियार दे दिया, तो आप इसमें फंस गया। गुरु के चरण का कर तू ध्यान, शान गुमान छोड़ा। अब जब दृष्टि खुलेगी।